जो अगर आप जिब्रान को कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसा हो जो आप एक लड़की को बताना चाहोगे, 8899918964 मेरा नंबर है, रिपीट कर रही हूँ, 8899918964 मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करें। और अगर कोई लड़का या मुझे किसी ने परेशान करने के लिए कॉल किया, वो ही विल बी ऑल्सो बिहाइंड द बार्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लड़कियों का सपोर्ट करें। लड़की ने फिर क्या होता है उसके बाद, क्या निकलता सजा, सब आपसे जानने की कोशिश। उसके बाद यही लड़की ने वो किया ये किया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर लड़की के पास है वो है इज्जत। अगर ये लड़की सेल्फ डिफेंस में कुछ करे, इसके हाथ में चाकू हो कुछ हो, तो लोग फिर कमिट करते हैं लड़की शायद गर्ल है। लगता है कि हम कश्मीरियों को, स्पेशली हम लड़कियों के, हमारे साथ बहुत इनजस्टिस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कुछ आपकी इज्जत पे अगर हमला हुआ होता, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप तो बच गए, सपोज उस बंदे ने आप पे ऐसा कुछ कर दिया होता, आप क्या करते उस सिचुएशन में? मार देती उसको। क्या करते? जान से मार देती। क्या करते? जान से मार देती। कैमरा पे कहे? जान से मार देती। क्यों मारती? क्योंकि उसने मेरी इज्जत पे हाथ उठाया, इज्जत मजबूरी का फायदा उठाया। एग्जैक्टली, इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑफिस गए, एसएचओ के पास गए, डीसी ऑफिस में भी हम गए, हमने सब सुबह निकले हैं, अभी शाम का टाइम है, इस वक्त तक हम अभी इसी कार्रवाई में है, खाना नहीं खाया। अपने लिए, अपने लिए अपनी ताकत खुद बनो, दुनिया वाले जो भी बोलेंगे बोलने दो, उसकी तरफ मत देखो, आप खुद के लिए लड़ो। शाम जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज कसम खाई थी, बिल्कुल शाम खाना नहीं पता है कि किसको एफआईआर लग गया है, उसका नाम भी नहीं है, उसके घर वालों को भी नहीं पता है, लेकिन वो ऐसे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, नहीं जी क्या कूर कहामत रेजी मैंने कहा कूर। आज हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लड़कियों तक पहुंचाएं जो डरती है, जो जो लड़कियां, उस लड़की को जो लड़की मुझे कॉल कर रही थी, बोल रही थी अस्पदी मैं जब गाड़ी में चढ़ती हूँ ना तो लड़का, जो लड़के खड़े होते हैं ना प्राइवेट पार्ट्स उनके हमारे साथ टच होते हैं, हम क्या करें, मैं अबया लगा के घर से निकलती हूँ, मैं क्या करूँ। ये हमारे कश्मीर में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, उन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए हम हैं। कशिर दास्तान न्यूज नेटवर्क हमेशा आपके साथ है, जिब्रान डार आपके साथ है, स्माइल फाउंडेशन आपके साथ, वापस ला भी सकते हैं हम लोग, लेकिन एक लड़की की इज्जत, अस्मत, आबरू नहीं, कभी नहीं वापस आ सकती है। भी उनके ऑफिस से बैठ के आई जस्ट कॉल द एसपी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, दे वर वेरी पोलाइट, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कहा जी आप आइए, लेट्स लॉज द एफआईआर। आपने सुना है कभी कि 24 घंटे में एक एफआईआर लग गई, वो भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, वो था श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर, लोकेशन नहीं बताएगी, नाम नहीं बताएगी। हरासमेंट केसेस आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ, और लड़कियां बोल नहीं पाती है क्योंकि असलशु हमसाय, असलशु रिश्तेदार, लड़की को रिश्ता करना है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन 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 यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, एक ब्रेव कश्मीर की लड़की जिसने ये कदम उठाया है, जिसके साथ मोलेस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन उसने क्या किया, उसने सीधे किसको कॉल किया, वन एंड ओनली द जिब्रान, जिब्रान डार को उन्होंने मैसेज किया, एक एक जस्ट अ मैसेज। मैं लड़की बोल रही है मुझे एक मशीन चाहिए, कौन सी मशीन, वो कौन सी मशीन थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन चाहिए अपनी नानी माँ के लिए, जिसको 25% खाली हार्ट उठता है, और एक जान बचानी थी, जान बचाने के लिए एक लड़की ने किसी और के पास गई, वो मैं नाम नहीं बताऊंगी अभी, उस दरिंदे के पास गई, जहां पे उस दरिंदे ने उसके साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश की, और भी बहुत कुछ। और आई फील प्राउड दैट आप जैसे शख्सियत हमारे कश्मीर में मौजूद है, हमारे श्रीनगर में मौजूद। मैसेज किया मेरे सोशल मीडिया पे, मैंने सुना कि इनको ऑक्सीजन मशीन चाहिए, इसने बोला कि नानी के लिए चाहिए, तो मैं समझ गया चलो इसको जरूरत है, और ये आउट ऑफ श्रीनगर है, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये आउट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात है, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बोलूंगा मैं। और इस लड़की ने मुझे बोला कि ऐसे मशीन की जरूरत है, मोलेस्टेशन का नहीं बोला, तो फिर मैंने बातों बातों में से पूछा क्या करती हो, कहां पर, क्योंकि जानना होता है कि कौन कहां से फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो इसने बोला कि इधर पढ़ती हूं, ये करती हूं, घर पे कौन कौन है, ये चीजें है, तो इसी दौरान ये बीच में बोली मुझे कि ऐसे मेरे साथ हुआ, मशीन थी, मैं बोला क्यों वापस दी, तो वो ये मामला आगे आया। जब मोलेस्टेशन का मामला आया तो मैंने भी समझा कि ठीक है, ये मामला तो दूसरा तरीके का भी मामला, हेल्प तो करनी है, लेकिन इसके साथ साथ इसको फ्यूचर के लिए भी हेल्प करनी, ताकि आगे कोई और छेड़खानी ना करे। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में फोन वोन लगाए, जो भी मेरे एसपीज है, डीएसपीज है, सबको फोन लगाए, सोचा कि क्या करना चाहिए इस मामले पे। और अगले दिन ही सुबह ये हॉस्पिटल आई थी अपनी नानी को लेके, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल के बाद मैंने उनको अपनी गाड़ी में लेके स्माइल फाउंडेशन पे ले गया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्माइल फाउंडेशन का भी, लाइक
दो तीन मिनट ही मैंने उनसे ऑफिस में जाके बात की, दो तीन मिनट में ही 70,000 से 80,000 रुपए की ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर नया ब्रांड न्यू इनके लिए अरेंज कर दिया। खाने पीने का जो सामान सौदा लगता है एक महीने का, हमने वो सारा कुछ देखा, फाइनली आज क्या हो गया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे एसपीज को, ऐसे एसएचओज को जिन्होंने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की। और उसके बाद मैं खुद भी आया, आप लोग भी आए और मैडम भी आई, हमारा पूरा दिन आज इसी के साथ चला गया। हम वहाँ पे बैठे, मैं लोगों को इतना बताना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, अगर ये बात जम्मू की भी होगी, जिब्रान डार श्रीनगर से जम्मू आएगा, मामले को सुलझाएगा। ये ब्रेव लड़की कश्मीर की है, आज इसने बोला, मैंने बोला, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं बोल पाती है। इस एनजीओ को, जिब्रान साहब को, लेकिन आप ऐसे मैसेज आज आप हमारे उन बहनों तक पहुंचाइए। देखिए आज हम नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, बात सुने, नाम रिवील नहीं कर रहे हैं उस लड़की का, लड़की ये है ना, नाम रिवील कर रहे हैं, इनके नेबर्स को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है क्या चीज हुई है, ये सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस वो आदमी जो है, वो दरिंदा जो है, वो आज तक पकड़ा भी गया, एफआईआर भी लॉन्च हो गई, हम उसका ना नाम ले गए ना ये बोलेंगे वो कहाँ पे काम करता था। खेसू शामुक बात था ना, एग्जैक्टली वो क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आज खेसू शामुक बात था, ये मैंने कसम खाई थी बिल्कुल शामुक बात था ना समझ। और मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर इन फ्यूचर किसी शख्स ने ऐसा करने की कोशिश की, उसको थाने का खाना मैं खिलवाऊंगा, कोई भी कार्रवाई हो, और लड़की का नाम रिवील भी नहीं, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर हाईलाइट नीचे हो जाएगा, या मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज कीजिए, मैं पुलिस तक कार्रवाई करवाऊंगा, एसपी तक जाना पड़े, एसएसपी तक जाना पड़े, ग्रेट, अरे ग्रेट, गवर्नर साहब तक क्यों ना जाना पड़े। सजा शोला से बात करेंगे, सजा साहब आप यहाँ पे आए, आपने जब जब जिब्रान साहब आपके पास आए तो क्या बात हुई, क्या मतलब आप जल्दी जल्दी में बोलिए, आपने आज इतना काम किया। अस्सलाम वालेकुम, जिब्रान साहब जब मेरे पास आए तो इसने मुझे बोला कि एक लड़की है जिसके साथ ऐसा हुआ कंसंट्रेशन मशीन पे, बिल्कुल। तो मैंने जिब्रान साहब की, क्योंकि आपको पता है ये हमेशा सच की बात बोलता है, पॉलिटिक्स अलग गेम है, ये अलग गेम है, तो उसने बोला क्या आप कर सकते हो, मैंने बोला इस चीज के लिए मुझे सब कुछ भेजना पड़ेगा तो मैं करूंगा। तो विद इन नो टाइम मैंने वो सारा किया, उसके बाद मैंने फैमिली का बैकग्राउंड देखा, ये खाली दो थे, एक इसकी नानी और वो, तो मैंने जितना भी हमारे एनजीओ से हो सका उतना हमने अरेंज करके इनको दे दिया, उसके बाद हमने ये फैमिली गोद ली, जो भी मंथली असिस्टेंट इनके घर को लगेगा वो हमारे एनजीओ से इंशाल्लाह होगा। और आज ये मैसेज थी, ये ब्रेव लड़की है, मेरी बहन है, मैं इसको सल्यूट करता हूँ कि अगर ये लड़की सेल्फ डिफेंस में कुछ करे, इसके हाथ में चाकू हो कुछ हो, तो लोग फिर कमिट करते हैं लड़की से, क्या कहते हैं लड़की ने, फिर क्या होता है उसके बाद, क्या निकलता सजा साहब आपसे जानने की, उसके बाद यही लड़की ने वो किया ये किया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर लड़की के पास है वो है इज्जत, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ जा सकता है, सब कुछ जा सकता है, सब कुछ वापस ला भी सकते हैं हम लोग, लेकिन एक लड़की की इज्जत, असमत, आबरू नहीं, कभी नहीं वापस आ सकती है। और हमारी इस बहन ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इसको अप्लॉज करना चाहिए इस बहन को। आप कुछ कह रहे थे, आप इनको कुछ देंगे? जी, जो हमारे एनजीओ से एक ब्रेवरी का अवार्ड, बिल्कुल, वो हम इसको देंगे, क्योंकि इसने एक मैसेज दी है पूरी लड़की कौम को, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पुलिस कोऑपरेटिव है, सामने आओ इस चीज के लिए, मगर सच्चाई होनी चाहिए, बिल्कुल, झूठ नहीं, एलिगेशन नहीं होनी चाहिए, एलिगेशन नहीं होनी चाहिए, अगर सच्चाई है सामने आओ, हर कोई कोऑपरेट करता है, यह हमने आपको दिखाया विद इन 24 आवर्स इसको हुए है हमारे एनजीओ पे, आज वो बंदा बियॉन्ड द बार्स है, एफआईआर लॉन्च हुई है, वो बंद है, तो इसको हमें लगता है हम इसके सामने बोलेंगे कि इसको इंसाफ मिला। कितना शुक्रिया अदा करना है, किस किस का करना है आपको? सबसे पहले तो जिब्रान भाई ने, क्योंकि इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उसके बाद इन लोगों ने, स्माइल फाउंडर्स ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरी नानी को ऑक्सीजन मशीन दी जिसकी बहुत जरूरत थी, जिसकी वजह से मेरी इज्जत जाने वाली थी, इन्होंने मुझे जो भी घर का सामान है वो भी दिया, और बोल रहे हैं आपकी नानी को जो भी दवाई लगेगी सब कुछ हम देंगे। मैं इनका मतलब आप जिब्रान डार का कितना शुक्रिया आप करना चाहते हैं? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ बातों। आपने इनको ये नहीं बोला था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन बातों बातों में जब आपने इनको बोला जिब्रान ने, तब क्या किया इन्होंने? हाँ हाँ, उसी टाइम वरना मैंने इनको पहली बार, अगर और कोई होता वो बोलते ओके सोचेंगे, वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन उन्होंने उसी टाइम, और ये जो है उन्होंने सोचा नहीं कि इसको चाहिए, या चिट्ठी नहीं मांगी डॉक्टर की, इन्होंने उठाई ऑक्सीजन मशीन और मुझे दी, उसके साथ ट्रांसफार्म भी दिया। क्या मैसेज है कश्मीर की उन लड़कियों के लिए, मजलूम लड़कियों के लिए जो इस हरासमेंट का शिकार होती है और जो कह नहीं पाती है, उठो अपने लिए लड़ो,
अपने लिए, अपने लिए अपनी ताकत खुद बनो, दुनिया वाले जो भी बोलेंगे बोलने दो, उसकी तरफ मत देखो आप, खुद के लिए लड़ो खुद। बिल्कुल, इट इज बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट, इट इज बियॉन्ड स्टेट। जिब्रान डार को अपने कपड़े बेच के भी किसी की मदद करनी पड़ी, करने के लिए तैयार है, पसीना बहाना पड़े बस बहाने के लिए तैयार है। जिब्रान डार को अपना खून भी देना पड़े, जिब्रान डार देने के लिए तैयार है, चाहे वो बहन हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड क्लियर। माई मैसेज इज स्ट्रेट टू यू, इफ यू पीपल ट्राई टू डू एनीथिंग लाइक दैट, यू विल टेस्ट द सॉल्ट ऑफ बार्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो लड़कियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, निडर बनो, जैसे कि आसिफा बशीर आपको कहती है कि ब्रेव बनो, निडर बनो, अपने लिए खुद उठो, आपके लिए कोई नहीं आएगा उठने के लिए, आपको खुद उठना है, कोई भी कुछ नहीं करेगा। जब आपने आवाज उठाई, आपको ये पता है ये लड़की कौन थी? नहीं पता है। कहां से है? नहीं पता है। कहां रहती है? नहीं पता है। किस फैमिली से बिलोंग करती है? नहीं पता है। आपको कुछ भी नहीं पता है ये कहां से है, लेकिन इसको आज इंसाफ मिला। पुलिस स्टेशन में मैं भी बैठी थी, पुलिस स्टेशन में, हर जगह हम एसपी ऑफिस भी गए, एसएचओ के पास भी गए, काफी ज्यादा कॉर्पोरेटिव, और उन्होंने ये भी कहा, एफआईआर भी लॉन्च हो गई, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मैसेज आप स्प्रेड कर दो। कौन सी मैसेज? कि किसी को ये नहीं पता। कश्मीर के इमोशन का सौदा नहीं होगा, कश्मीर के लोगों का सौदा नहीं होगा, बिल्कुल कश्मीर के बहनों का सौदा नहीं होगा। और दूसरी बात, दैट्स इट, जो भी गरीब ऐसे यूज होता है, स्माइल फाउंडेशन के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो, एक कॉल पे उनके घर पहुंचा देंगे, ये हम आपके सामने वादा करते हैं। तो अगर आपके